एवरीवन, सो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये लुक दिखाने वाली हूँ कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट करा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक और कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ इग्नोर माई वॉइस, आई एम नॉट फीलिंग वेल। ओके, सो सबसे पहले मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर रही हूँ आई लव लंडन का, वो भी ब्राउन कलर में है। और आईब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NYX का माइक्रो ब्रो पेंसिल और ये बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके बाद मैं आईब्रोज को शार्पन अप करने के लिए, डिफाइन करने के लिए आई मैजिक का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट है एंड फुल कवरेज है, अमेजिंग है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी NYX की आई शैडो प्राइमर। अब ये स्टेप लीव भी कर सकते हो, अगर आप कंसीलर लगाना चाहते हो तो कंसीलर लगाओ, वरना आई शैडो प्राइमर अगर होगा तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं ये अपने दोनों आईलेट्स पे लगाऊंगी। और उसके बाद आई शैडो के लिए आई एम गोना यूज़ द हुडा ब्यूटी मैट रेट्रोग्रेड पैलेट, जो कि उनका न्यू लॉन्च है। और सबसे पहले ये मैं लूँगी ये शेड विच इज़ अ रियली लाइट ब्राउन शेड, और इसको मैं अच्छे से अपने क्रीज पे लगाऊंगी एंड थोड़ा सा बाहर की तरफ उसको ब्लेंड करूँगी जैसे कि आप देख रहे हो। और हर टाइम जैसे मैं न्यू आई शैडो यूज़ कर रही हूँ, क्लीन ब्रश के हेल्प से दोनों या तीनों आई शैडोज को मैं ब्लेंड कर रही हूँ क्लीन ब्रश के हेल्प से ज़रूर। तो ये दूसरा शेड पे मैं थोड़ा सा नीचे क्रीज पे लगाऊंगी और उसके बाद मैं अपनी क्रीज को कट करूंगी। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो मैं ज़रूर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और उसके बाद मैं एक पर्पलिश ग्रे कलर का बहुत ही प्यारा मेटालिक शेड है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने क्रीज एरिया पे। और इस आई शैडोज को अपने फिंगर के हेल्प से लगाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आईज़ के लिए जो लाशेज लगा रही हूँ वो मैंने खुद के ब्रांड से लगाए हैं, वर्ल्ड ऑफ रवा का। और प्राइमर के लिए आई मैजिक का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। एंड देन पोर्स के लिए फिर से मैं एक और प्राइमर यूज़ कर रही हूँ विच इज़ बाय लोरियल। ये बहुत ही अच्छा है, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्राइमर, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, यू आर गोना लव इट, जिनके लार्ज पोर्स है। और फाउंडेशन के लिए मेरे फेवरेट मिलानी फाउंडेशन, इसके बिना मैं नहीं रह सकती। ये इट्स लाइक bomb.com, ये मेरी सबसे मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन है। और ब्यूटी ब्लेंडर भी मैं अपने खुद के ब्रांड से यूज़ कर रही हूँ विच इज़ बाय वर्ल्ड ऑफ अवा। और उसके बाद मैं कंसीलर यूज़ करूँगी, कंसीलर मैं दो यहाँ पे यूज़ करूँगी, पहला वाला होगा NYX का और दूसरा मैं कंसीलर यूज़ करूँगी आई मैजिक का, जो मैंने आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए यूज़ करा था। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं दो कंसीलर क्यों यूज़ कर रही हूँ, दो कंसीलर इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे फुल कवरेज मिल जाए। अगर नहीं तो आप एक कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, जिनके ज़्यादा डार्क आईज अंडर आईज हैं वो दो कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग के लिए मैं NYX की पैलेट यूज़ करूँगी। और सेटिंग पाउडर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टेक्निक का लूज सेटिंग पाउडर, और ये बहुत ही अच्छा लूज पाउडर है। और ये NYX का कॉन्टोर एंड हाईलाइट पाउडर है, पैलेट है, आप ये यूज़ कर सकते हो कॉन्टोरिंग के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन में जाने के लिए आप क्रीम कॉन्टोरिंग करो, तो मैं पाउडर कॉन्टोरिंग ज़्यादा करती हूँ। ब्लश करने यूज़ करने के लिए मैं ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ बाय सिवाना। हाईलाइट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का समर एडिशन 3D हाईलाइटर पैलेट, और उनमें से मैं एक पिंक शेड यूज़ करूँगी एज अ ब्लश एंड एज वेल एज जो दूसरा शेड है उसको मैं यूज़ करूँगी एज अ हाईलाइटर। और हाईलाइटर के लिए भी मैं दो पैलेट यूज़ करने वाली हूँ, पहले तो रिवोल्यूशन का और फिर उसके बाद उसके ऊपर लगाऊँगी हुडा ब्यूटी का। और लोअर लैशेस पे मैं कुछ भी नहीं करूँगी, सीधा लिपस्टिक पे। लिपस्टिक भी मैं मेबलिन का यूज़ कर रही हूँ, इट्स द शेड नंबर मुझे अभी याद नहीं है, तो मैं सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, नाम और सब कुछ। अगर आप लोगों को कोई भी चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट्स लेना है तो मैं दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और सेटिंग पाउडर, सेटिंग स्प्रे मैं यूज़ कर रही हूँ पैक की। और ये था हमारा फिनिश लुक एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। और ज्वेलरी का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, और लहंगा जो मैंने पहना है वो उसका भी, क्योंकि मैंने zki.com से लिया था। तो मैं आपको मिलती हूँ अपनी दूसरी वीडियो पे। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।